स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज हम भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके अंदर हम बात करेंगे जैन धर्म से जुड़े 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके 2019 में आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर अब तक आपने स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन पर क्लिक करना भी ना भूलें। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे? तो वाराणसी से। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ वाराणसी से संबंधित थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। तीर्थकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थकरों के कर्म में अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी। जैन तीर्थकरों के कर्म में अंतिम महावीर स्वामी थे, यानी कि 24वें तीर्थकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभासागिरी किसका तीर्थ स्थल है? तो जैन धर्म का। प्रभासागिरी जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमागधी भाषा में। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी जमाली था, जो कि उनका जवाई था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो पाटलिपुत्र में एक जैन सभा हुई जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द हुए कैवल्य। अणुव्रत शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जैन धर्म ने अणुव्रत शब्द का प्रतिपादन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का पालन पोषण किससे हुआ है? तो सार्वभौमिक विधान से। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध व जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली तो कौसाम्बी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध व जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौसाम्बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने बराबर की गुफाओं का प्रयोग आश्रय गृह के लिए किया था। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। समाधि मरण किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। समाधि मरण जैन धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहुबली को किसका पुत्र माना जाता है? तो प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का। बाहुबली को प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का पुत्र माना जाता है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? बाहुबली से। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक बाहुबली से संबंधित है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंड राय ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा की स्थापना करवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ स्थित है। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। होयसलेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को। होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, तो आजीवक। आजीवक संप्रदाय नियति की अटलता में विश्वास करता है। सयादवाद सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का। सयादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है। चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमी व संभव में से कौन जैन तीर्थकर नहीं था? तो नाथ मुनि। नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं था, बाकी ये तीनों जैन तीर्थकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या है? तो है तपश्चर्या। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। जैन धर्म को कलिंग के किस राजा ने समर्थन मिला था? तो राजा खारवेल का। जैन धर्म को कलिंग के राजा राजा खारवेल का समर्थन मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। भगवान महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। भगवान महावीर को कितने वर्ष की तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 12 वर्ष की। भगवान महावीर को 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? तो निग्रंथ। भगवान महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को कितने भागों में विभाजित कर दिया था? तो 11 गणधरों में। भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित कर दिया था, क्योंकि उनके 11 शिष्य थे। जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेश बना था? तो आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक बना था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मथुरा। मथुरा जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित किसमें है? तो कल्पसूत्र में। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। भगवान महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा। भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। तो ये था हमारा आज का भारत के इतिहास में जैन धर्म से संबंधित 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का वीडियो नंबर 4। इसी के साथ आज का वीडियो ये समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।